इधर बटेंगे तो कटेंगे की गूंज वृंदावन में भी है। सनातन धर्म संसद को लेकर वृंदावन में बड़ी बैठक हुई है। ठाकुर देवकी नंदन के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित हुई और बैठक में साधु संत कथावाचक मुख्य रूप से मौजूद रहे। 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विशाल सनातन धर्म संसद में पहुंचने की अपील की गई और कार्यक्रम को लेकर साधु संतों ने रणनीति भी बनाई। हमें अपनी बात भी रखनी है और कम संतों में ऐसी रखनी है कि पूरा जो सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेकों अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से बकबोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं, 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चियों को, बच्चों को बचाने के लिए